નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. આજ હમ પઢેંગે બચ્ચો હિન્દી. હિન્દી કક્ષા 4, ચેપ્ટર 2, બઢતે કદમ. બઢતે કદમ કે બારે હમ આગે મે સ્લાઇડ મે દેખેંગે. कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 2, बढ़ते कदम. बढ़ते कदम कैसे आगे बढ़ेंगे ऐसा माना जा रहा है. हम आगे कैसे बढ़ेंगे? उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहती हूँ, जब आप झुकते हैं, आप सोते हैं, किसी बच्चे को देखते हो तो आपको पता चलता है सोते हैं, बाद में बैठना सीखते हैं, बाद में चलना, खड़े रहना सीखते हैं. खड़े रहने से एक कदम चलते हैं, दो कदम चलते हैं, फिर तो हम पहले गिर जाते थे, फिर हम क्या करेंगे? ऐसे उछलेंगे, कूदेंगे, दौड़ेंगे. लेकिन हमको कुछ नहीं होगा. ऐसे पहले हम बड़ी बड़ी किताबें देखते हैं तो क्या होता है, इतनी बड़ी किताब हम कब पढ़ लेंगे? लेकिन बढ़ते कदम कैसे आगे बढ़ना है वो हमें सिखाते हैं. जैसे हमने बैठा था वैसे पहले चित्र में मैं देखा चित्रपट, जैसे कि चित्र देखकर हमें बताया था. अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 कर कर आगे बढ़ेंगे. बाद में हम सीखेंगे वर्णमाला. वर्णमाला में दो प्रकार स्वर और व्यंजन, जैसे दो पार्ट अलग अलग होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि वर्ण ही हम सिखाएंगे, बाद में उसको क का की की बाद में छोटा छोटा पढ़ना सीखेंगे. जैसे स्टैंडर्ड थे में आपने जैसे सीखा था ना, पहले क्या सीखा स्टैंडर्ड में, एक एक अक्षर करके आपको सिखाया गया. दूसरे में छोटे छोटे शब्द बनाए, क वाले, का वाले, ई की मात्रा वाले, उ की मात्रा वाले. बाद में हम पढ़ना सीखते हैं. हमारी किताब अभी तो छोटी है, मैं आगे आपको सिखाऊंगी कैसे कदम बढ़ते हैं. लेकिन उदाहरण में आपको समझ आ गया है कैसे करना है. जैसे कि हम सोचते हैं वैसे कैसे चलना सीखा था, वैसे ही हम आगे आगे थोड़ा थोड़ा सा. जैसे कि इंग्लिश का उदाहरण में हम ले लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम कैसे पेंट लेंगे, पहले एबीसी, बाद में छोटे छोटे स्पेलिंग, बाद में सेंटेंस, और सेंटेंस से पूरी किताब हमें लिखनी आ जाती है और पढ़नी भी आ जाती है और बहुत मजा भी आता है. वैसे ही बढ़ते कदम बढ़ना यानी आगे बढ़ना, कदम आगे बढ़ाना. हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, उसमें हम सीखेंगे. हमारा पहला पॉइंट है हिंदी वर्णमाला. हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? क का घ की जैसे गुजराती, लेकिन लिखने में थोड़ा अंतर होता है. पहले हम सीखेंगे स्वर. स्वर में पहला है अ, इसे हम दीर्घ ही कहेंगे, इसे ह्रस्व ही. उसके बाद आता है उ, दीर्घ उ, ह्रस्व उ. दीर्घ उ में क्या अंतर है यहाँ पर देख लीजिए, रु, ए, आई. ए और ए में क्या है, गुजराती में जब करते थे तो पहले में ही मात्रा आती थी, लेकिन हिंदी में पहले मात्रा नहीं आती है, अई में मात्रा आती है, वो भी एक ही. अधिक से अधिक ध्यान रखना है. उसके बाद आता है ओ, और तो हमने सीख लिया था अगो, ए, कड़ी पाई, और मतलब ओ, अ, अं, जिसके ऊपर बिंदी है उसे क्या कहेंगे, अं. उसके बाद आता है अं. ये हुआ हमारा स्वर. वर्णमाला का पहला पॉइंट था स्वर. दूसरा पॉइंट है व्यंजन. व्यंजन में पहले क, ख, ग, ग, च, छ, ज. उसके बाद आता है स, ट, ठ, ड, ड, ण, द. बाद में आता है थ, द, ध, न, व, प, ब. उसके बाद आता है ग, म, य,
शुरू वाला हमने चैप्टर वन में पढ़ा था, उसके बाद आता है यम और उसके बाद आता है श्रव। जैसे कि श्राव्य श्रवण ऐसे शब्द आपने पढ़े होंगे कक्षा दसवीं में। ये हुई हमारी पहली पूरी वर्णमाला। अब हम देखेंगे वर्णमाला को चित्र के साथ। अब हम सीखेंगे बच्चों चित्र के साथ स्वर और व्यंजन। ये है अ असे आना। देखिए इसका चित्र। आसे आम, ये आम आपने खाई है ना। ई इसे इमली, ऐसी होती है खट्टी मीठी इमली। दीर्घ ई इसे ईर, ऐसा होता है ईर, आपने खाया है कभी, इसे गन्ना कहते हैं। ऊ उसे उल्लू, उल्लू का चित्र है। दीर्घ ऊ उसे ऊन, ऐसी ऊन होती है, उसका स्वेटर बनता है। ये है रू रुषे ऋषि, ऋषि मुनि हमें ज्ञान देते हैं। उसके बाद आता है ए ऐसे एडी, पग के पीछे का भाग जो होता है उसे एडी कहते हैं। ए ऐसे एनक, एनक यानी गोगल्स। ओ ऐसे ओखली, ऐसी होती है ओखली। औसे औरत, औरत यानी अम्मान। अम हमसे अंगूर, अंगूर आप खाते हो ना खट्टी मीठी। इसके बाद आता है आहा, आहा से होता है नमः, जो बिंदी दो पाचे पीछे लगाते हैं ना उसे आहा कहते हैं। ये रहा कैसे कमल, ख से खरल, ग से गधा, घ से घर, च से चरखा। देखा ना अपने चित्र में चरखा। छ से छतरी यानी छाता कहेंगे। झ से जग, पानी पड़ते है ना। ज से संडा हमारा फ्लैग। ट से टमाटर खट्टा मीठा। ठ से ठठेरा हमारा पहले चित्र में आया था ना बर्तन रिपेयरिंग वाला। ड से डमरू, हमने चैप्टर वन में सबके बारे में देखा था। ड से ढकना यानी कि ये जो है उसे हम ढक देते हैं, उसे ढकना कहते हैं। ण से बाण, त से तलवार, थ से थर्मस, द से दवात, दवात यानी कि इंक जो पेन में डाली जाती है। त से तजा, जो मंदिर के ऊपर होती है। न से नार, प से पतंग, फ से फल, आप खाते हो ना खट्टे मीठे फल। ब से बस, भसे भगत, भगत यानी कि जो भगवान के गुणगान करता है। मसे मगर यानी कि क्रोकोडायल। यसे यति, यति यानी कि संत। रसे रथ, लसे लड़का, वसे वजन, जब हम कुछ खरीदते हैं तो वजन करके खरीदते हैं। शशे शरबत, पीने का मन हो गया ना। शशे षटकोण, शशे सपेरा, हसे हल, शशे क्षत्रिय, त्रशे त्रिशूल, यसे यज्ञ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।